सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का जसवंत गेमर यूट्यूब चैनल में, जसवंत गेमर। तो दोस्तों, हमने जो हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया है, आज ही चेंज किया, उसका फ्रेंड्स एक रीज़न था। गेमिंग विद जसवंत बहुत ही अच्छा नेम है, लेकिन अच्छा नेम होने के साथ साथ फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा नेम था, ठीक है। तो यही उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था जिसके कारण हमें जो है हमारे चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। क्योंकि यार देखो, किसी भी वेबसाइट पे मैं अगर कहीं जाता था, अपने चैनल का नाम मुझसे अगर कहीं पूछा जाता था, तो मैं अपने चैनल का नाम गेमिंग विथ जसवंत नहीं लिख पाता था। मतलब वहाँ पर एक लिमिट होती है, वर्ड्स की लिमिट होती है, तो मेरा जो है लिमिट रीच कर जाता था, मेरा चैनल का पूरा नाम आता ही नहीं था। तो मैंने जो है थोड़ा शॉर्ट करके उसको बनाया है चैनल का नाम जसवंत गेमर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मुझे इस नेम पर भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं डुओ रैंक पुशिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, और फ्रेंड्स पूरी स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो यार, गेम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, एंड फ्रेंड्स मैं एंड मेरा भाई इस गेम में हम दोनों खेल रहे हैं, बलवंत भाई और मैं खेल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मतलब ये वीडियो मैं बना रहा था डायमंड 4-2 हीरोइक, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सब लोगों को सारी की सारी ऐसी चीज़ बताऊंगा, जो भी बंदे डायमंड 4 में अटके हुए हैं या गोल्ड में या प्लेटिनम में, जिस भी रैंक में अटके हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है वहां से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि यहां पर जो है मैं सारी की सारी सिचुएशंस के हिसाब से आपको कैसे फाइट लेना है, कहाँ पर उतरना है, सारी की सारी चीज़ें आप सब लोगों को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे, मैं जो हूँ आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं जो हूँ ऑब्जर्वेटरी में उतरता हूँ। एंड गाइज, ऑब्जर्वेटरी में फिलहाल में बहुत सारे बंदे यहाँ पर उतरे थे। तो फ्रेंड्स देखो, कभी कभी आप सब लोगों को अपने मन को जो है मार के, मतलब अपने मन की जहाँ की आपकी इच्छा है कि यार मेरे को जो है ऑब्जर्वेटरी में जाना है, तो उसको जो है हटा के आप सब लोगों को दूसरी जगह पर भी जाना पड़ता है। अगर कहीं फ्रेंड्स ऑब्जर्वेटरी में कम बंदे आते, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग ऑब्जर्वेटरी में जाते, दो डुओ आते तो वो उनको आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अगर कहीं दो से ज़्यादा डुओ हो रहे हैं, तो हमको जो है प्लेस चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो अगर कहीं ज़्यादा बंदे होंगे तो हम किसी दूसरे बंदे से फाइट ले रहे हैं, हमारा कोई और फ़ायदा उठा ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहली टिप तो यही है कि आप जहाँ पर भी उतरो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जहाँ पर भी आप उतरो, वहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बंदे ना हो। ज़्यादा बंदे होंगे तो फ्रेंड्स, आप जैसे मान के चलो आप अच्छे खेलते हो, आप बंदों से लड़ रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स दूसरा बंदा आपका फ़ायदा उठा ले जाएगा। जिससे मतलब अगर कि आप फाइट ले रहे हो और दूसरा बंदा आपका फ़ायदा उठा ले जाए, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग जो है ऑब्जर्वेटरी छोड़ के ग्रेवयार्ड आ गए, एंड ग्रेवयार्ड पे जो है आराम से हम लोग जो यहाँ पे लूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोगों ने कुछ लूट की, एंड लूट करने के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो मैं जो हूँ इस सीन को कट कर देता हूँ, क्योंकि लूट के सीन लगाने से वीडियो बड़ा होगा, तो हमको बड़ा वीडियो चाहिए नहीं है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बुलशाय में बंदे हैं, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर एक मतलब थोड़ा बहुत सही सा लूट हो गया, मेरे पास ग्लू होल नहीं है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी यार अच्छा खासा लूट हो चुका है, MP40 AK मिल चुकी है हमको। तो हम लोग जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अभी फाइट लेते हैं, क्योंकि एक ही डुओ यहाँ पे था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया, एंड हम लोग जो है बुलशाई में आ चुके हैं टोटली। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स बंदे मैं स्पॉट नहीं कर पाया कि बंदे कहाँ पे हैं। एंड गाइस, स्पॉट नहीं कर पाया तो मैंने जो है यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, जो कि नॉर्मली सभी बंदे करते हैं, फ्री फायर के काफ़ी सारे प्लेयर्स करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4x स्कोप है, तो मैंने जैसे ही उठाया स्कोप, एंड गाइस पीछे पैन भी नहीं है, एंड जो परांग होता है वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो बैक साइड से मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ गया। एंड गाइज, अगर आलोक नहीं होता तो मैं मारा जाता है, ये तो एकदम सही बात है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा कवर लिया, एंड बहुत देर तक हम लोगों ने जो है एनिमीज़ का इंतजार किया, यहाँ पर कवर लेके हम लोग जो है यहाँ पे बैठे रहे। एंड गाइज, थोड़ी देर बाद मैंने बलवंत भाई को बोला कि आपके पास मतलब हम दोनों है आसपास बैठ के खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, मैंने जो बलवंत भाई को बोला आपके पास जो भी है ग्रेनेड फ्लैशबैंग डालो, तो पहले जो है फ्रेंड्स उन्होंने जो है फ्लैशबैंग डाला, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बलवंत भाई ने फ्लैशबैंग डाला, एंड उसके बाद बंदों को जो है मतलब थोड़ा बहुत उससे एक बंदा शायद अंधा हो गया था, एंड उसके बाद उन्होंने जो है ग्रेनेड डाला, एंड जैसे ही ग्रेनेड डाला तो वहां पर जो बंदा था ऊपर वो हो गया डाउन, एंड यहां से जो है उसका दूसरा बंदा आ गया, तो दूसरे बंदे को जो है मैंने ले लिया। तो यहां पर जो हम लोगों ने टोटली एक डुओ को खत्म कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं गाइज आलोक की बात, ठीक है। जिनके पास आलोक नहीं है वो कैसे जीत सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ,
और वीडियो बहुत ही अच्छा बना है। विथआउट आलोक आप कैसे खेल सकते हो, अगर आपके पास आलोक करेक्टर नहीं है तो भी आप बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, एंड उसमें भी आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा। और मैं 100% श्योर हूँ गाइज, आपका मोटिवेशन उस वीडियो में बढ़ेगा, एंड आप जो है मतलब आपको ये आपको नहीं लगेगा कि मेरे पास आलोक करेक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं करेक्टर कॉम्बिनेशन भी आप सब लोगों को बताऊंगा एंड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख लीजिए, मेरे को जो है पीछे से डैमेज पड़ा, आलोक चला के मैं भाग गया। तो आलोक करेक्टर का सबसे बड़ा यही फायदा है कि ये हमको जो है दौड़ते दौड़ते भी HP दे देता है एंड हमारा मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देता है। तो ये उसका सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो है आलोक करेक्टर टॉप करेक्टर है फ्री फायर में, ठीक है। पहले तो मतलब एंड्रयू था हमारे, हयातो तो भैया थे, तो ये पहले करेक्टर्स थे, लेकिन अभी तो वही आलोक का ही राज चल रहा है पूरे फ्री फायर में। एंड फ्रेंड्स अभी हम आलोक की बात को हटाते हैं, एंड फ्रेंड्स आप सब लोगों ने देखा कि सामने एक बंदा था एंड एनिमी ने जो है ग्लू वॉल लगाया एंड मैंने उसको ग्लू वॉल तोड़ के मारा। फ्रेंड्स अगर कहीं आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा एमओ है, ज़्यादा गोलियां हैं, तो आप जो है ग्लू वॉल तोड़ के बंदों को मारो, उससे मतलब एनिमी को घबराहट होने लगी, सामने वाला एनिमी सोचने लगेगा कि यार ये तगड़ा बंदा होगा, तभी तो मतलब ग्लू वॉल तोड़ तोड़ के मार रहा है। तो आपको सामने वाले एनिमी को ये एहसास दिलाना है कि मैं उसे टक्कर दे सकता हूँ, ताकि वो खुद भागने पर मजबूर हो जाए, बैकआउट लेने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैं जो हूँ उसके एक बंदे को मैंने ख़त्म कर दिया एंड उसका दूसरा बंदा भाग रहा है, मतलब भागने पर मैंने मजबूर कर रखा है उस एनिमी को। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आप सब लोग देख पा रहे हो क्या सिचुएशन बन चुकी है गेम की, एंड यहाँ पर हम मशरूम खा लेते हैं क्योंकि ईपी भी बहुत ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स सेफ जोन में। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो बंदा भागे जा रहा है, कटुलिस्टिवा के अंदर है वो बंदा, एंड फ्रेंड्स वो बंदा जो है वहाँ से निकल के आगे से कार पकड़ लेता है, ठीक है। तो वहाँ से जो शायद वो बंदा बच जाता है, मैं उसका पीछा करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन वो बच निकलता है। तो फ्रेंड्स देखो ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो हूँ उसका ही पीछा करता रहा हूँ, मैंने भी उसको उसने बैकआउट लिया, मैंने भी बैकआउट लिया, एंड उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़े। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स एल शेप में एक और बंदा है, भीमा शक्ति स्ट्रिप के ऊपर की जगह है ये थोड़ी, यहाँ पर एक एल शेप घर है आप सभी लोगों को पता होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने जो ग्लू वॉल लगा दिया एंड बंदे को फंसा दिया, एंड बंदा जो है ग्लू वॉल तोड़ के जो है ऊपर की साइड चला गया, एंड मैंने भी उसका ग्लू वॉल तोड़ा एंड फ्रेंड्स सामने ग्लू वॉल लगा लिया, ठीक है। अगर मैं ग्लू वॉल नहीं लगाता तो मेरे को हेड लग सकता था, ठीक है, हेड लगता बंदा मेरे को खत्म कर देता, लेकिन फ्रेंड्स मैंने ग्लू वॉल लगा लिया। आपको अपने मतलब प्रिडिक्ट करना है कि बंदा यहाँ पे हो सकता है और आपको पहले से ही ग्लू वॉल लगा लेनी है। एंड देखो फ्रेंड्स ग्लू वॉल का कितना ज़्यादा स्पीड रहा मेरा यहाँ पे, फ्रेंड्स ग्लू वॉल का स्पीड आपको बढ़ाना है तो आपको मेरा एक वीडियो देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फास्ट ग्लू वॉल कैसे लगाएं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स देखो सबसे पहली बात होती है फ्री फायर गेम को प्ले करने की सबसे पहला नियम है आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप गेम को जो है प्ले कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी कॉन्फिडेंट रहने के लिए, ठीक है। तो मैंने बनाया था एक वीडियो कि आप जो है 100% कॉन्फिडेंस के साथ फाइट कैसे करें, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमको डबल डोर में बंदे दिख गए हैं, तो डबल डोर के ऊपर सबसे पहला नियम है डबल डोर पर रश करने का, वो है ग्रेनेड डालना। तो पहले हमने ग्रेनेड डाल दिया एंड यहाँ पर जो एक बंदा डाउन हो गया, अभी फ्रेंड्स देखो उस बंदे वो बंदे पहले ही डर गए जैसे मैंने ग्रेनेड डाला, एंड यहाँ पर जो एक बंदे को मैंने टोटली खत्म कर दिया एंड दूसरे बंदे को बलवंत भाई ने जो यहाँ पे खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो टोटली यहाँ पर एक डुओ को और मतलब ख़त्म कर दिया है डबल डोर में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले लूट कर लेते हैं एंड लूट करने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस देखो सबसे पहला आपका एक बात और आपसे लोगों को ध्यान रखनी है, सर्किल जितना छोटा होता जाए आपको सर्किल के उतने ही साइड में आते जाना है, ठीक है। बड़ा सर्किल है तो आप सर्किल के बीच में हो तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर भी आ जा सकते हो क्योंकि सर्किल बहुत बड़ा है। लेकिन जब सर्किल छोटा होता जाए तो आप लोगों को एकदम मतलब सर्किल के साइड में रहना है, ठीक है, और जितने भी बंदे मीडियम मतलब बीच में है तो उन बंदों को आप आराम से मार सकते हो। तो देखो हम लोग जो है सर्किल के कोने में एक परफेक्ट कवर लेके बैठे हुए थे इस घर में, एंड जैसे ओपन में एक बंदा भागता हुआ मेरे को दिखा मैंने उस बंदे को खत्म कर दिया। एंड फ्रेंड्स अगर कहीं आप भी ऐसे छोटे सर्कल्स में इधर उधर भागते रहोगे ओपन प्लेसेस में विदाउट ग्लू वॉल तो आप जो है मारे जाओगे। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब सर्किल के साइड में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है एक बंदे को डाउन कर दिया एंड डाउन करने के बाद मैंने जो है रश कर दिया, ठीक है। तो ग्लू वॉल हमने तोड़ा एंड यहाँ पर जो है ग्लू वॉल लगाया, हमारे हमको भी कवर चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है मेरा किल दूसरे बंदे ने चोरी कर लिया, एंड यहाँ पर जो है ये जो बंदा मरा इसका भी किल ना मेरे को मिला ना बलवंत भाई को। सामने वो जो एनिमी है उसने जो है
किल ले लिया, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, एनिमी या आपका फ्रेंड भी आपका किल ले सकता है, तो आपको कहना नहीं आपके फ्रेंड्स को कि तुमने मेरा किल चोरी कर लिया, इससे उसको थोड़ा बहुत हर्ट फीलिंग होता है। मैं तो अपने बलवंत भाई से बोल देता हूँ क्योंकि उनको पता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मजाक अगर कि आप किसी अपने किसी दोस्त से करते हो तो करो। तो फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पर जो है मैंने एनिमी के ऊपर रश किया, तो पहले ही मैंने जो है ग्लूअल लगाया, ग्लूअल लगाते लगाते मैंने रश किया, तो आप लोगों को भी हमेशा इसी बात का ध्यान देना है। एंड फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो है सामने वाले एनिमी को जो हमने आराम से जो है किल कर दिया। एंड यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है, यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है वो काफ़ी गजब बन जाती है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ मेडिकेट लगा रहा हूँ, लेकिन सामने से एक एनिमी आ गया, तो मैंने जो है मेडिकेट नहीं लगा पाया। अभी यहाँ पर जो है बलवंत भाई को जो यहाँ पे एक बंदे ने ख़त्म कर दिया। एंड गाइस देखो मैं कैसे भाग रहा हूँ, मतलब मैं ग्लूओल लगा रहा हूँ तो मैं पीछे के बंदे से भी बच रहा हूँ उस ग्लूओल के कवर से, और सामने जो बंदा है उससे भी मैं बच रहा हूँ। तो आपको ग्लूओल लगाने की इतनी सेंस होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप जो है सभी प्रकार से जो है बच सकें। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो ज़रूर से ज़रूर आप सब लोग देख लेना, उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलना है कि तुमने मेरा किल चोरी कर लिया। और फ्रेंड्स अगर कि आपको कोई भी ऐसा फ्रेंड है जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा मजाक करते हो तो बोल सकते हो, उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी नया दोस्त है तो उससे मत बोलना, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएगा वो बात, समझ रहे हो। तो हम लोगों का कोई भी नहीं, हम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सामने एक बंदा है, तो मैंने जो है ग्रेनेड से उसको डैमेज देने की कोशिश की, बट ग्रेनेड से जो है बंदा बच गया। एंड यहाँ पर जो है गाइस हमने जो है उस बंदे को डैमेज दिया। एंड यहाँ पर देखो मैंने ग्लूओल लगाया, ठीक है, तो बंदे ने मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाया। एंड देखो थोड़ा सा डैमेज दे पाया, एंड मैंने बंदे को फिर से गोली चलाई एंड तुरंत से जो ग्लूओल लगाया। तो गाइस ग्लूओल लगाने का स्पीड जो है हमेशा फास्ट रखो, ग्लूओल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है, ठीक है। तो उसका जो वीडियो है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ग्लूओल फास्ट कैसे लगाएं, तो वो जरूर से जरूर देख लेना। एंड गाइस देखो आप सभी लोगों को सामने लाइव वीडियो में मैं जो हूँ हीरोइक गया हूँ डायमंड फोर से, एंड 3 लाइक मिले मेरे को मेरे गेम प्ले के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अच्छा गेम प्ले करना है, अच्छा गेम प्ले करने के लिए आप सभी लोगों को टिप्स ऐसे ही देखती रहनी है। एंड जो भी मैं बातें बताता हूँ उनको आपको ध्यान में रखना है, एंड आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऐसे ही आपको लेते रहना है गेम के बारे में। जितना ज़्यादा गेम के बारे में नॉलेज रखोगे उतने ही अच्छे खेलने लगोगे, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी एंड ऐसे ही गेम प्ले को इम्प्रूव करना होगा। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।